ये देख रहे हैं आप, ये भाई एकदम मुझे एकदम सीम कर रहे हैं, ये देखिए खजूरा दे रहे हैं जी ना, ये देखिए ये ऐसी तकसीम होती है और लोग लेते हैं और खाते हैं। ये अगर ये जो लाइन लगी हुई है इनको अगर दे दे तो क्या है, ठीक है देखिए ज़रा, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दो डब्बे हैं, ठीक है इससे आप आराम के साथ ना आपका अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। अगर गुजारना चाहें ना ही नहीं तो फिर आप थोड़ी और वेट करें तो फिर दूसरी लाइन भी लग जाएगी। क्लॉक टावर के साथ ही ये इब्राहिम खलील रोड पर ही आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करें ना तो बड़ी चीज़ें यहाँ पर हैं जो आपको यहाँ से खाने के लिए मिल जाती हैं, जिससे आपका डिनर भी हो सकता है आराम से पेट भर के। शवारमा मिल जाएगा आपको, बिरयानी मिल जाएगी, खजूरें मिलेंगी आपको, पानी मिलेगा, जूस मिल सकता है आपको, ठीक है जाए नमाज तकसीम होते हैं यहाँ पर, मगर अदब के दायरे में आपने हर चीज़ को आपने रखना है। फुल चमक दमक रहा है। माशाल्लाह आप भी कह रहे हैं भाई, ये सामने तवाफ चल रहा है, मैं समझ लें कि फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आप देख रहे हैं YouTube चैनल और माशाल्लाह से देखें ज़रा, वाह जी वाह क्या बात है जी, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देखें भाई, ओए होए हो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी गारे हिरा से जबर नूर से आया हूँ और टांगें फुल दर्द कर रही हैं, ईशा की नमाज अभी ख़त्म हुई है और ये देखिए ना ऐसे लग रहा है जैसे रमज़ान वाला माहौल है यहाँ पर माशाल्लाह से। ये देखिए आपको मैं और ज़ूम करके दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, फीलिंग नहीं है। अल्लाह ताला आपको भी जल्द जल्द यहाँ की ये बहारें जो हम लूट रहे हैं आपको भी नसीब फरमाए और साथ में काबतुल्लाह की भी ज़्यारत नसीब फरमाए, उमरा भी हज भी हर एक दुआ अल्लाह ताला आपकी नेक जाए तमन्नाओं को कबूल फरमाए और बहुत ही तादाद के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देखिए ज़रा, हाँ आज तो ये क्लॉक टावर भी ना बस पता नहीं क्या बता रहे हैं, लाइटें कुछ ख़ास लगाई हैं इन्होंने, हाँ और आप ये देखें आपको नज़र आ रहा है क्या बात है। और अब हम ज़रा घर जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और कोशिश होगी कि रात को आके फिर काबतुल्लाह की ज़्यारत करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या जुगाड़ लगाना पड़ता है कि अगर आपने उमरा नहीं करना तो आप मताफ में नहीं जा सकते हैं। अगर आप काबतुल्लाह की आप ज़्यारत करना चाहते हैं तो उसके लिए जुगाड़ ये करना पड़ेगा कि आपको अहराम ही बांध के जाना पड़ेगा अंदर मताफ में, तभी आप जा सकते हैं, ठीक है। लेडीज़ तो जा सकती हैं मगर मर्द जो उनसे जेंट्स हैं ना भाई वो नहीं जा सकते हैं। और क्या बात है भाई क्या बात है, मैं कहता हूँ माशाल्लाह रोन के। ये देखिए अभी हम आए हैं थके फुल थके हुए और हम कह रहे थे कि बस अब ये खाना खाएंगे बाहर से और सीधा हम जाएंगे रूम में, मगर अब ज़रा ना थोड़ा सा मूड लग रहा है चेंज हो रहा है और आज हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। और कुछ है, इसको भी देख के और कुछ माशाल्लाह से मेरे मुझे माशाल्लाह इतना क्लॉक टावर
चमक दमक रहा है। अब हमारी तैयारी है हरम से अब फ्लैट की तरफ, रूम की तरफ। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपके लिए आपके लिए खाना कौन सा है। यहाँ है तो एक्सपेंसिव है, तो कहाँ से मुनासिब मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। और किस किस जगह पे होगा, इंशाल्लाह ज़ियारतों की भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी, अब आपने देखना है। ठीक है, और रश देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शावर जो लगे हैं यहाँ आप देख रहे हैं पंखे, मैं कहता हूँ इसके आगे थोड़ा सा आए ना तो ऐसे लगता है जैसे ना एसी चिलर लग गया हो। हाँ, बहुत ही कमाल, हर तरफ ही ये देखें, हर तरफ, क्योंकि अब रश बहुत हो गया हुआ है और वैसे भी आज कोई ख़ास दिन है। हाँ, सऊदी अरब में और 14 आज डेट क्या है, आज वैसे डेट है 22 है ना, डेट नहीं 22 23 है, बल्कि आज है पीर का रोज। ठीक है, और ये देखें माशाल्लाह, ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ दरवाज़ा है, हम इसके अगले हिस्से से हम जाते हैं। ये है जी इब्राहिम खलील रोड, ठीक है, क्लॉक टावर के साथ ही है ये रास्ता है जी हमारे घर का, यहाँ से हमने जाना है घर। ठीक है, और यहाँ से भी बड़ा कुछ मिल जाता है, अगर आप थोड़ा सा वेट करें ना तो यहाँ से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये अभी भाई पैकेट लेके आ रहे हैं किसका, बिरयानी का। और वैसे एक बात मैंने यहाँ देखी है, जो इंडोनेशिया वाले जितने भी हमारे बहन भाई हैं ना वो काफ़िले में आते हैं, और जो पाकिस्तानी हैं ना कौन से हैं वो काफ़िले में नहीं आते हैं, और वो बड़ी तरतीब के साथ आते हैं, कतार दर कतार आते हैं। ठीक है, और वो कुछ उन्होंने कुछ ख़ास चीज़ें पहनी होगी जिससे वो पहचाने भी जाते हैं, माशाल्लाह से आगे पीछे भी नहीं होते हैं वो। और ये देखें भाई, आज तो बहुत रश है, ये देखें आप, ये यहाँ तो आज मैं कहता हूँ आज आपको प्रैक्टिकल भी आपको दिखाते हैं, अगर आज तकसीम होता नज़र आए ना तो आज भाई भी आपको ना ये खाना इंशाल्लाह लेके दिखाएगा। ठीक है, शोर में भी दिए जाते हैं भाई मेरे, अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं ना तो सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये वो जगह है यहाँ पर रात को ना आपको इस जगह पर, ठीक है, क्लॉक टावर के साथ ही ये इब्राहिम खलील रोड पर ही आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करें ना तो बड़ी चीज़ें यहाँ पर हैं जो आपको यहाँ से खाने के लिए मिल जाती हैं, जिससे आपका डिनर भी हो सकता है आराम से, पेट भर के शुरमा मिल जाएगा आपको, बिरयानी मिल जाएगी, खजूरें मिलेंगी आपको, पानी मिलेगा, जूस मिल सकता है आपको। ठीक है, जहाँ नमाज तकसीम होते हैं यहाँ पर, मगर अदब के दायरे में आपने हर चीज़ को आपने रखना है। ये देखें, ये लाइन लगी हुई है इधर मेरे राइट हैंड पे, ये देखें ज़रा, ये लाइन लगी हुई है, और ये देखें ये लाइन लगी हुई है, और ये मर्दों की लगी हुई है, कितनी लंबी है
मगर अभी वो लेकर नहीं आया भाई, इसे तकसीम करने हैं। और उनको मालूम है कि यहाँ पर तकसीम होना ही होना है। ये आप देख रहे हैं, ये टोटली जितनी भी है, और आराम से आप पेट भर के ना खाना खा सकते हैं यार। ये देखें, आपको भाई आपको सारा जुगाड़ बता रहा है। और माशाल्लाह से आज देखें भाई, आज तो फुल माहौल बना हुआ है। गारे हिरा में भी काफ़ी माहौल बना हुआ था। आगे 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 तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि ये आपको ना मैं इंशाल्लाह ब्लॉग बना के दूंगा। और यहाँ पर ना आपको बताऊँ, सारी रात ना ये दो शॉप्स आप देख लें आप, ठीक है, यहाँ पर इंटर होते साथ ही लेफ्ट हैंड पे ये, बल्कि बाहर निकलते हुए लेफ्ट साइड पे इब्राहिम खलील रोड पर ही, यहाँ पर सारी रात आपको ना कुछ खाने को मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो ये तो होगी बड़ी नॉर्मल, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। और अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं यहाँ पर, अगर बिरयानी अगर आप लेना जाए ना, तो वो आपको मिलेगी 12 से 15 रियाल के दरमियान में, कहीं कभी 10 रियाल के दरमियान में, 10 रियाल की भी मिलती है, ठीक है। और बकाया दूसरी साइड पे भी है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे। और जैसे आएंगे ना फिर देखिएगा, यूँ ख़त्म होगा, यूँ। अभी देखें, लाइनें तो काफ़ी लगी हुई हैं। अभी खजूरें तकसीम हो रही थी, अभी आपके भाई ने ये देखा ना, ये खजूरें, ये माशाल्लाह से 6-7 खजूरें पहले ली हैं, फिर उसके बाद 6-7 खजूरें अब ली हैं मैंने, और कुछ बेगम को दी हैं और कुछ मैं खा रहा हूँ। और एक खजूर में ताकत जो सी है ना, एक रोटी के बराबर होती है, तो आप इससे भी अच्छा गुजारा कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी मिल सकती है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह ताला आपको ये बहारें, ये फ़ज़ाएँ आपको नसीब फरमाएं। ये देखें, तमीर का काम काफ़ी चल रहा है, काम हो रहा है, ये देख रहे हैं। कुछ ना कुछ तकसीम यहाँ पर होता रहता है। अगर ये रमज़ान हो ना, तो मेरे ख्याल से ना आपका 1 रुपया नहीं लगता खाने के लिए। अल्लाह ताला यहाँ पर इतने सुफरे होते हैं, इतना ही खाना होता है यहाँ पर रमज़ान में। और वैसे भी यहाँ पर बस सिर्फ आपको कतार में लगना पड़ेगा, तो आपको इंशाल्लाह खाना मिल जाएगा। ये देखें, भाई ने खजूरें ले ली हैं, अब खजूरों से अपना काम चला लेगा इंशाल्लाह। देखिए जी, हम लोग हो गए हैं कामयाब, और मैंने आपको कहा था ना कि मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो खाना तकसीम किया जाता है तो वो कितनी तादाद के अंदर होता है। अभी मैंने खजूरें खाई हैं, यहाँ शवारमा ही तकसीम हो रहा था, कुछ थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। और अब जो सा हम लेकर आए हैं ना डब्बे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ना यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है कभी कभी ना, लोग एकदम पड़ जाते हैं, कतार से भी निकल के ना आगे आ जाते हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखा करें। और ये देखें ज़रा, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 डब्बे हैं, ठीक है। इससे आप आराम के साथ ना आप अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, अगर गुजारना चाहें ना ही नहीं तो, तो फिर आप थोड़ी और वेट करें तो फिर दूसरी लाइन भी लग जाएगी। तो ये देखें जी, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये है, ये देखें ज़रा, ये 2 डब्बे हैं, माशाल्लाह से वेट भी अच्छा खासा होगा। और इसमें ना एक पीस भी है, ये देखें, ये है पीस, ये गलीबन कभी बतख का भी होता है, कभी मुर्गी का भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि बतख भी हलाल है, तो ऐसे करके आप ले सकते हैं। ये देखें ना, ये भाई लेके आ रहा है सामने, आप इनके हाथ में डब्बा देख सकते हैं, तो साथ में एक जूस का डिब्बा भी मिल जाता है। चलें, ये अब हम खाते हैं। और माशाल्लाह ये देखिए ज़रा, ये भाई खा के भी दिखाई ना खाना, आप समझे सिर्फ आप व्लॉग बना रहे हैं। ये देखो ना, ये बोतल है ना, ये यहाँ पर
पाँच रियाल की देते हैं ये वाली, और ये हो जाती है स्लिम हो जाती है, और इसमें आप जाके पानी भर के आप ले जाएँ फ्लैट में रखें, क्योंकि वहाँ पानी मिलता नहीं, आप जमजम ले के रखें, यहाँ जी भर के भी हैं आप, पेट भर के भी हैं आप, ठीक है। तो ये 5000 की दो भी मिल जाती हैं, और अब हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, वाह माशाल्लाह, आमिर भैया आज तो मौजे हो गई हैं आपकी यार, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले हमें मिली हैं कुछ ट्रॉफीज मिली हैं, और क्योंकि आज 23 सितंबर है, यहाँ पर आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो चलें ये हम खाते हैं। ये देखिए जी, भाई ने लुकमा बना लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं आप, ये भाई का मुझे एकदम सीम कर रहा है, खजूरा दे रहे हैं जी ना, ये देखिए ये ऐसे तकसीम होती हैं और लोग लेते हैं और खाते हैं। ये अगर ये जो लाइन लगी हुई है इनको अगर दे दें तो क्या है, ठीक है। ये वो देखिए बाजी, ठीक है ठीक है ठीक है, जिन्ना मिल गया उन्ना ही पड़ा है, तो कहते हैं नहीं जी। दे दी आपको अंदर से भी दिखाएं, माशाल्लाह वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और ये है जी बाबा शरीफ का बाबा हाजवानी साइड का 88-87 अब्दुल अजीज़ भी साथ दरमियान में लगता है, और फुल कूलिंग, और यहाँ से भी ठंडी हवा आती है यहाँ से, ये यहाँ से माशाअल्लाह। आओ आगे सही हो रही है सही, और इससे आगे वो सहन है, तवाफ हो रहा है, तवाफ ये ऊपर ही, ऊपर भी तवाफ हो रही है, और ये देखिए माशाअल्लाह क्या बात है भाई, माशाअल्लाह क्या बात है भाई, माशाल्लाह आप भी कह रहे हैं भाई। ये सामने तवाफ़ चल रहा है, मैं समझ लें कि फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है। इस तरफ भी फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, और बहुत 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 ही कमाल का काम किया हुआ है, जितना भी मैं आपको मैं बता सकूँ ना कम उतना ही, ठीक है। वाह जी वाह, आओ ज़रा वहाँ बैठे, माशाअल्लाह क्या बात है भाई, क्या बात है। अभी हम ज़रा थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। चला है ऊपर से भी आपको दिखाएं कि कैसा मंज़र है, और ये देखें ज़रा माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है भाई, वाह जी वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और देखते हैं कि ऊपर से तवाफ कैसे किया जा रहा है, ठीक है। नीचे मताफ में तो हम गए हैं, ठीक है, वहाँ पर उम्रे भी किए हैं, तवाफ़ भी किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
और ऊपर जो माहौल है ऊपर का देखते हैं भाई, और ये अंदर का क्या बात है भाई, क्या बात है माशाल्लाह। यहाँ से अब हम जाएंगे ऊपर और देखेंगे। अल्लाह ये है जी, ये रास्ता आरजी तौर पर बंद किया हुआ है। पहली मंजिल काफ़ी हाइट पे है, हाँ अच्छी खासी हाइट पे है, यानी कि समझ लें कि कोई 25 फीट हाइट पे है पहली मंजिल। ये देखें माशाल्लाह ऊपर का भी मंजर देखिए, माशाल्लाह। आज भी आपको हरम पाक दिखाई, तवाफ होता हुआ माशाल्लाह। ये देखिए कार चलाए गए, ये तवाफ कर रहे हैं, ये माशाल्लाह काफ़ी स्पेस दी हुई है हरम के पास, हाँ वो सामने है। चलो जी बाबू बिल्कुल फाहद, वाह भाई ये देखे ना काम वगैरह काफ़ी हो रहा है। ये जी पहली मंजिल है, पहली मंजिल पर जिन्होंने अहराम नहीं बांधा हुआ वो यहाँ पर तवाफ कर सकते हैं, या फिर जो रश में नहीं जा सकते हैं जैसे ये व्हील चेयर, ये देखें तो ये जितने भी हैं ये सारे फर्स्ट फ्लोर पर तवाफ कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें नई छतें जो सी हैं ना ये बन रही हैं, ये टोटी ये देख रहे हैं आप ये चीज़ें, और कुछ ही देर में मेरे ख्याल से कोई 2-3 माह में ये सब कुछ हो जाएगा। ये अल्लाह अकबर, ये अभी अनकम्प्लीट है, ये देखें ये उम्रा हो रहा है इनका तवाफ, अल्लाह अकबर। मैंने कहा कि हम ऊपर से देखेंगे हरम काबा शरीफ की ज़्यारत करेंगे, मगर स्पेस ही बहुत दी हुई है। ये देखिए ना अब आपको मैं दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर में ना जो ऊपर से तमीर की जा रही है, ये देखिए नहीं ये जितना भी आता है ना ये वाला, ये आप जो देख रहे हैं ये इस पिलर से लेकर ये यहाँ से, और ये जितना भी है ये यहाँ पर, और सामने माशाल्लाह से खाना खबा आपको नज़र आ होगा, ये ब्लैक माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारा अहाता जो उनसे है ना ये टोटली ये नहीं रहा, ये सारा काम हो रहा है, नया बन रहा है माशाल्लाह, बहुत काम हो रहा है यहाँ पर। ये आर्चे देखें, ये सारी आर्चे नहीं बनी है, हाँ हाँ ये फनूस के दरमियान में फनूस लगेंगे, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ पर हर एक का आना कबूल फरमाए, मालिक मौला हमें भी बार बार
यहाँ की अपने काबतुल्लाह की ज्यारत की तो पी कता फरमा, रमज़ान में, हज में, रबी अव्वल में, मुहर्रम में, ए मालिक मौलाना जाना लगा रहे लगा रहे लगा रहे, मालिक मौला तू हमसे राज़ी हो जा, राज़ी हो सोनिया, राज़ी हो जा तू हमसे। माशाल्लाह बहुत ही कमाल का काम किया जा रहा है। और ये सेकंड फ्लोर है, ये तवाफ चल रहा है, ये देखिए ज़रा, ये सारा ये तवाफ चल रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर का।